बचपन की तस्वीर लगी हुई है उस पे जो पहली पोस्ट है उस पे जो पहली पोस्ट है अल्लाह ओए वाह 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 भाई आई विश वो वीडियो हम दिखा सकते हैं। तो वसीम मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी शख्सियत के बारे में सोचेंगे, आप अपने जहन में एक शख्सियत लेके आए मेरे लिए, एंड इकरार मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए बजाय ऐसे कि आप शख्सियत के बारे में सोचें, आप एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचें, समथिंग दैट यू कैन विजुअलाइज इन फ्रंट ऑफ यू, कोई चीज, कोई भी चीज जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। और उसके साथ ही मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी एक 4-digit number के बारे में आप सोचें, 4-digit number अपने जहन में, मैं आपसे कुछ इमेजिन करवाऊंगा अभी। अच्छा बताएं क्या इमेजिन। तो आप ऐसे इमेजिन करें कि आप एक होटल के बाहर खड़े हैं, होटल के बाहर, किसी भी होटल के बाहर, किसी होटल के बाहर खड़े हैं, लेकिन ये कोई ऐसा होटल नहीं है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ये आपका अपना कोई बनाया हुआ होटल है, सो इसका आप मेड अप नेम कुछ भी नाम हो सकता है इस होटल का। ओके अच्छा, तो मेरी तरफ देखते रहिएगा एंड मुझे ये बताएं कि इस होटल का नाम क्या है, बता दें। और ये होटल एग्जिस्ट नहीं करता? हाँ, कोई तो मैंने खुद ही से नाम बना लिया। इस कैसे क्या ताल्लुक है जो आप? अच्छा एग्जैक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप मुझे बता दें होटल का नाम क्या है। इस होटल का नाम है लॉरेंस होटल, नाम है इसका लॉरेंस होटल। लॉरेंस, लॉरेंस होटल, अच्छा सही, वेरी इंटरेस्टिंग, लॉरेंस होटल, सही है, ठीक है। आप लॉरेंस होटल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, एंड आप वहां पे गए तो वेटर आया, वेटर ने बोला सर मैं आपके लिए क्या कुछ लेके आऊं खाने का, चाय पानी, तो आप कोई एक खाने की चीज ऑर्डर करेंगे, कोई भी खाने की चीज, ठीक है, खाने की चीज है बीफ बर्गर। बीफ बर्गर, हाँ, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बीफ बर्गर। अच्छा इसको यहाँ पे रोकते हैं एक सेकंड के लिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेरी जो मेमोरी है ना वो काफी अच्छी है, फोटोग्राफिक मेमोरी, अगर मैं कुछ देखता हूँ तो मुझे वो याद हो जाता है। आई थिंक ये जाना भी अच्छा होगा कि मैं हाफिज कुरान हूँ, मैंने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, तो अगर मैं किसी चीज को सुनता हुआ सो जाऊं तो जब मैं सुबह उठूंगा अगर, तो मेरे पास क्वाइट यू नो अ डिसेंट मेमोरी होगी उस चीज की। तो मैंने क्या किया, रात को सोने से पहले मैंने यूट्यूब पे जाके जो पाए है, पाए, पी आई पाए, एक डिजिट होता है, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स होती है, इसके अंदर दुनिया की हर नंबर आ सकता है, इसके अंदर आपका घर का एड्रेस भी होगा, किसी का पिन नंबर होगा, सब कुछ होता है पाए के अंदर। तो जो फर्स्ट 1000 digits हैं मैंने उनको रात को प्ले किया और मैं सो गया। तो जब मैं सुबह उठा तो मैं ये नहीं आपको बता सकता कि मुझे पूरे वो याद हो गए, बट मैंने किया ये यहाँ पे आने से पहले कि मैं स्टेशनरी की दुकान पे गया, मैंने गूगल पे से जाके उसका पूरा प्रिंटआउट निकाल के मैंने ये इसकी जो ना पूरी नंबर्स की एक वो एक बुकलेट बनाई हुई, तो ये मैं आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा एंड देख के दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप जो है बीफ बर्गर आपने ऑर्डर किया और आपने होटल का नाम बताया लॉरेंस होटल, लॉरेंस होटल, आपने कहा ये बीफ बर्गर मेरे कमरे में लेके आओ, ठीक है। आपका रूम नंबर क्या है? मेरा रूम नंबर है 482। 482, ठीक, 482, सही है। ऑब्वियसली आपका नंबर इनके नंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, मेरे दिमाग में एक और नंबर आ रहा है, ये नंबर है, तो मेरे दिमाग में 39101 आ रहा है आपके दिमाग से अभी, लेकिन ये थोड़ा सा मिक्स्ड अप है बहुत। मैं असल में आपके दिमाग में जाके कल रात को जो मैंने पूरी स्ट्रिंग ऑफ डिजिट सुनी है उसके अंदर नेविगेट करने के बाद आपको ये नंबर बता रहा था। तो मैं ये चाहता हूं कि आप पेज नंबर 39 पे उस बुकलेट को खोलिएगा। 39 सवा नंबर, भाई आप गवाह रहिएगा, पेज नंबर 39, ठीक है, ठीक है, ओके, जरा काउंट करें ऊपर से 10th लाइन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी, और जो पहला डिजिट है ओ उससे जरा वाह 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 910 वही नंबर जो आपने सोचा था। ओ दिखाएं दिखाएं दिखाएं, नजर आएगा क्या क्या इसको अगर क्लोज कर सके किसी कैमरे पे, तो ये वही नंबर है जो इकरार भाई ने सोचा था और अभी बताया कि मैंने सोचा था। उसको सर्कल कर दें, नाइन, इसको सर्कल कर दें जरा, 2910, ये वही नंबर है जो इकरार भाई ने सोचा था और जो शहीर भाई ने बताया ओए ओए और जिसने ये सोचा था उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिया। वाह 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 वाह। अच्छा आप ऐसे कह रहे हैं अपनी शख्सियत की तरफ फोकस करना शुरू करें, दिमाग में यार क्या बात है, ठीक है,
कर रहा हूँ। एंड आप जो है ऐसा करें कि मैं इससे निकला हूँ जरा आप ऐसा करें कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में भी आप सोच रहे हैं। हाँ आई थिंक लॉरेंस होटल में एक शख्स हो सकता है जो बीफ बर्गर खा सकता है और रूम नंबर 482 में रुक सकता है आई थिंक। अच्छा आई थिंक मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है यार। वाह आप अपनी आंखें बंद कर लें, मेरे दिमाग में इनके दिमाग से ये नाम आ रहा है, आंखें बंद रखिएगा सही है? ठीक है। और आंखें बंद करे ही आप मुझे जोर से बताएं कि आप किस शख्सियत के बारे में सोच रहे हैं। बता दूं? जी बता दें। मैंने सोचा था रमीज राजा। आंखें खोलें। तो कसम से मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है यार। मतलब हाँ अब आप कैसे वो क्या कह रहे हैं डिस्ट्रैक्ट ना हो भाई। तो ये तो लॉरेंस का और बी बर्गर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था रमीज राजा से। तो मतलब जैसे मैंने गलत नंबर लिख के असल नंबर यहाँ बताया मुझे। आप एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं जी? यस। इमेजिन करें कि वो ऑब्जेक्ट मेरे और आपके बीच में फ्लोट हो रहा है हवा में, सही है? क्या मैं सही हूं कहने में कि पहले आपने किसी माइक के बारे में सोचा था, फिर उसके बाद अपना अपना दिमाग चेंज किया है किसी नई चीज के ऊपर? ये सही बात है? ऐसा ही है। अच्छा सही है, एक सेकंड। ये बहुत ही कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। दिस इज समथिंग दैट आई कैन फिट इनसाइड द पाम ऑफ माय हैंड। ये कोई ऐसी चीज है जो कंप्यूटर के अंदर लगती है। इनफैक्ट आई वुड से कि ये कोई फ्लॉपी डिस्क या यूएसबी नुमा चीज है। ये यूएसबी है? यूएसबी है। ओए, ओए। मैंने आपसे कोई रैंडम चीजें इन मोमेंट्स को पूछी थी। मैंने आपसे पूछा था कि आप ऐसे इमेजिन करेंगे आप किसी होटल के बाहर खड़े हैं। हाँ। आपने कहा कि आप लॉरेंस होटल के बाहर खड़े हैं। मैंने आपसे पूछा आप क्या खा रहे हैं वहां पे, आपने कहा मैं बीफ बर्गर खा रहा हूँ। और फिर आपने मुझे एक स्पेसिफिक रूम नंबर भी दिया 482। एनी स्पेसिफिक रीजन के ये चीजें आपके दिमाग में क्यों आई? ये बहुत रैंडम थी। बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो मैं ये बताना चाहूंगा जो लोग घर पे देख रहे हैं, यहाँ पे लाइव जाने से पहले यहाँ पे एक और शख्सियत मौजूद है, आई थिंक वी कैन से दैट कि जे जे यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सेगमेंट शुरू करने से पहले मैंने जे जे के हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिया था और मैंने उनकी एक वीडियो बनाई थी। अच्छा। और वो जो वीडियो है ये सेगमेंट शुरू होने से पहले वो वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है। हाँ। तो जो लोग देख रहे हैं, आप लोग के पास अगर इंस्टाग्राम है घर पे तो आप जल्दी से मेरा नाम लिखेंगे इंस्टाग्राम पे, शहीद नोज। मैं भी देख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप भी देख सकते हैं। हाँ। मैं तो फॉलो करता हूँ ऑलरेडी आपको। यस। तो शहीद नोज नाम है इंस्टाग्राम पे, SHAHERKNOWS। उस पर ब्लू टिक भी लिखा बना हुआ होगा ताकि पता लग जाएगा कि मैं हूँ। तो उस पे जो मैंने वीडियो लगाई है, जब आप छोटे थे तब की तस्वीर लगी हुई है। जी 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 जी। उस पे मेरे बचपन की तस्वीर लगी हुई है। उस पे जो पहली पोस्ट है, उस पे जो पहली पोस्ट है, अल्लाह, उस वीडियो में लिखा हुआ है लॉरेंस होटल, उसमें लिखा हुआ है बीफ बर्गर, उसमें लिखा हुआ है 482। ओए वाह 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 भाई, आई विश वो वीडियो हम दिखा सकते हैं। ये अब से 21 मिनट पहले ये पोस्ट की गई है। एंड मैंने इसमें जेजे को इसलिए इन्वॉल्व किया, मैंने इसमें जेजे को इसलिए इन्वॉल्व किया, मैं नहीं करता, मुझे करना पड़ा। मेरा मोबाइल पे ज़ूम कर दे जरा, दिखा दे अगर ये। हाँ। ये विजिबल है कैमरा 5, यानी ये देखो ये आ रहे, नजर आ रहे ये तो जेजे साहब खड़े हुए हाथ में कार्ड है और दोबारा आ जाएगा। और आप भी बैठे हैं पीछे। और मैं हम बैठे, उलमा का सेगमेंट हो रहा था, उलमा भी बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है लॉरेंस होटल बीफ बर्गर और 482। This is unbelievable. शहीर वाकई ये आज बहुत ही नाकाबिल यार, आज आपने बड़ी भरपूर तवानाई है सर्व कर दी है। तो भाई अब this is शहीर खान for you। अल्लाह क्या बात है, जबरदस्त।